हीरा मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। बनता है मेरा काम बेटा, दिया एवरीवन वेलकम बैक टू प्लान अमित। सुबह के बज रहे हैं 8 और धूप हो रही है बहुत 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 तेज। हम रात को सोए अराउंड 3 o'clock, आई थिंक 3:30, और हम सो गए थे आई थिंक विनीत सुबह 7 बजे सोया, तो पता नहीं क्या करता है। अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, बहुत तेज धूप एकदम ना सिर पे लग रही है धूप, बट व्यू देख के लग रहा है कि इट वाज वर्थ कमिंग है। हो गया है, अभी हम रिवर को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये देखो ये है रास्ता रिवर तक जाने का। अरे इजी 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 इजी, यहाँ से जाकर हम वहाँ जाने वाले नीचे। ओके, सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। ये चावला जी आ रहे हैं और विकास और विनीत तो ऑलरेडी आगे चल रहा है। वो वापस जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? टाइम तो लगेगा भाई जाने आने में, यहाँ से यहीं से पता लगेगा कि अभी बहुत नीचे है भाई। ओके, फिर वापस इतना ऊपर भी आना देख लो। नहीं है तो नीचे, नो डाउट बहुत जा रहे नीचे। ने सुन ही लिया होगा कि पहले हम यू नो ये डाइवर्ट हो रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, डाइसी हो गए थे। एंड अपना गौतम और मिश्रा तो वापस चले गए बिकॉज मिश्रा का लैपटॉप पड़ा है उसमें कैंप पे, तो इसलिए वो बोल रहा है कि मुझे लैपटॉप को देखना है बिकॉज थोड़ा सा ये अनसिक्योर्ड प्लेस है क्योंकि कोई टेंट के कोई लॉक्स नहीं है, कुछ नहीं है उसकी वजह से। अच्छा, यहाँ से 2 रास्ते हैं, तो अभी विनीत मैं और चावला हम तीनों जा रहे हैं। ऑल्दो है बहुत नीचे ये। हाँ जी, पूछो किधर से नीचे जाने का, इधर से है इधर से ज़्यादा दूर है क्या मतलब? चलो फिर, चलो चलो चलो, लेट्स एक्सपीरियंस दिस। तो अभी इनको कन्विंस कर लिया है चावले को और विनीत को कि भैया चलते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो यहाँ आना होता नहीं है। जब आप ऐसी कहीं जगह पे आओ तो यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग, दिस इज़ व्हाट आई फील। कई लोग मुझसे डिसएग्री भी करेंगे, बट अब सबको तो आप एग्री भी नहीं करवा सकते हो,
है ना चावला जी, मैं कह सबको तो आप एग्री भी नहीं करवा सकते हो, बट हाँ थोड़ा सा बच के गौ मात आ रही है। यस आओ जी आओ जी जाओ जी, चलो 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 चलो, थोड़ा इजी हो, ये इजी डेंजरस है थोड़ा, हाँ थोड़ा स्लो स्लो आना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस बहुत ज़रूरी हैं। हाँ स्लिपरी है, ध्यान से बिल्कुल पैर को दबा के रखो, एक एक जगह पे जहाँ जहाँ पत्थर का सपोर्ट मिल रहा वहाँ वहाँ पैर रखो। जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन, दिस नॉट आई से एक्चुअली, ये किसी ने तो बोला है बट बहुत ही सही बोला है। चलो जी सपोर्ट, और विनीत का क्या? हाई सपोर्ट, रुक गया क्या जवान थोड़ा सा? यार हमारा जवान थोड़ा सा कमज़ोर है, बड़ा कमज़ोर है आदमी अभी वजन। चलो बस हम पहुंचने वाले हैं और जो वहां जाएंगे वो एक्सपीरियंस ही काउंट करता है। हार नहीं माननी चाहिए, कुछ भी नया पाने के लिए थोड़ी शिद्दत थोड़ी मेहनत लगती है। अरे चावला जी गिर गए, उठाओ चावला को। ऑल ओके ठीक है ना? लगी तो नहीं चोट वोट गई? पत्थर मुड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं चावला जी, आप शेर हो। फाइनली तो देख, सबसे पहले जो मना कर रहा था हनी के लिए, सबसे पहले पानी में उसमें जाना है भाई। फ्लो तेज है, फ्लो तेज है भैया, एकदम मैच पे रहना, वैसे भी कुछ स्विमिंग तो आती नहीं है। बहुत तेज है, अगर शिव आया होती मुझे बिल्कुल याद नहीं थी, इसीलिए ऐसी ट्रिप पे मैं बिना शिव आ गया। अगर शिव के साथ आऊँ तो मुझे पक्का शिव याद आ जाएगा। राइट शिव, it was actually worth coming here
बहुत ही मज़ा आया। आपने हमारी फ़ोटोग्राफ तो देख ही ली होंगी अभी तक, और हमने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, और वहाँ कौन है मिश्रा और गौतम दोनों वेट कर रहे होंगे, पर यहाँ फ़ोन का नेटवर्क आ गया और फ़ोन में निकल पाएगा। एब्सोल्युटली चैलेंज, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो सता, जो उसको ये दर्द सताएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे जी कोई गाना ही सुना दो सर। इन कठिन रास्तों में, रास्तों पे चल रहे हैं तो कठिन रास्तों के ऊपर ही कुछ सुनाया जाए। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं साथ में, करते वन टू थ्री फोर। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम दुनिया चा। साड़ी सुन अपनी क्या जा, मेरी चप्पल ऑलमोस्ट टूटने वाली हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है बस ऊपर तक पहुंचा दे मुझे। हाँ ये नाला पार किया था हमने, आप सीधा ही निकल गया। मेरी ये स्लिपर ऑलमोस्ट टूटने वाली हो गई है, एंड आई एम स्केयर्ड कि कहीं टूट ना जाए, अगर टूट गई तो यहाँ पर बिना स्लीपर के चलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं एकदम स्लो स्लो चलता हूँ क्योंकि मेरे शूज़ कैंप में पड़े हैं, और कैंप में जाने के लिए अभी हमें इतनी चढ़ाई करनी है। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनया जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, चिट्ठी नहीं पाई जय माता दी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी, जयकारा शेरावाली मैदा बोल साचे दरबार की जय। फ्रॉम दिस प्लेस बहुत ज्यादा गर्मी है, ओह गॉड, ऐसे लग रहा है स्वेटिंग। थोड़ी हवा चाहिए, अभी डायरेक्ट गाड़ी में जाएंगे, थोड़ा एसी की हवा लेंगे, आई थिंक देन वील फील बेटर। चलो यू गाइस कैन ऑल्सो से बाय, एंड आई वुड लाइक यू नॉट टू कम हियर, टेक सम अदर कैंप, नॉट दिस वन, बट द प्लेस इज अमेजिंग। चलो गाइस, तो अभी एक काम करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। ये देखो एक झरना तो ये भी हमारे पास, वाह वाह वाह, बड़े झरना, नहा लो भाई जो नहाया नहीं है। अच्छा हमें दो जगह है, दो लोकेशन है जहाँ हमें जाना है, पता हमें डिसाइड कर रहे हैं अभी, एक है नीर झरना और दूसरा है लक्ष्मण झूला। तो अभी हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हम 5 लोग हैं, तो डिसाइडिंग वोट देख लेते हैं किसका आता है। मैं प्रेफर करूँगा नीर झरना बिकॉज आई वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। आई थिंक लक्ष्मण झूला मैंने एक बार ही देखा हुआ है तो, और हम कल हर की पौड़ी होकर भी आ गए थे, तो आई थॉट कि ये बेटर चॉइस रहेगी बिकॉज वो मेरे लिए अनसीन है, दैट्स द ओनली माय रीजन। अभी पीछे वाला को पूछ रहे थे किसका क्या क्या है, चावला तेरे को कहाँ जाना है भाई? अकॉर्डिंग टू मी अभी हम जो थोड़ा सा ट्रैक करके आए और धूप तो देख रहे हैं कि भाई बहुत ही तेज़ है, तो हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तो आई वुड प्रेफर लक्ष्मण झूला, और वहाँ पे जो बीच काइंड ऑफ पानी मिल जाता है तो आई वुड प्रेफर दैट। मतलब तुम मेहनत नहीं करना चाहते? आप बताओ आप ना जाओगे? जैसे मुझे इन सब की बातों से लग रहा है कि शायद अब इनमें मेहनत करने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर वैसे मेरा वोट नीर झरने को जाता है। दो नीर झरना हो चुके हैं। विनीत मैं तेरे को छोले भटूरे खिलाऊंगा बेटे, बाद में प्लीज मेरे नाम पे वोट दे दियो। ठीक है भाई, ऐसा है बहुत ज्यादा थकावट हो चुकी है, हालांकि थकावट वैसे नहीं, ज़्यादा हम घूमे फिरे तो नहीं है,
लेकिन ये जो ट्रैक रास्ता ऐसा था ना, थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि हम लक्ष्मण झूला चले, और वहाँ पे नहाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ का पानी बहुत साफ़ है, ब्यूटीफुल लोकेशन है, एक बार वहाँ का हमें ज़रूर व्यू देखना चाहिए। लक्ष्मण झूला तो नीर झरना हो गए जबरदस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत भाई। अब ये डिसाइड हो गया कि हम लोग लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, और वैसे वहाँ पे कुछ मंदिर भी हैं, हम लोग उनके भी शायद दर्शन कर सकते हैं। ओवरऑल वैसे लोकेशन अच्छी है, जो ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश का मेन स्पॉट वही है जहाँ पे लोग घूमते हैं। एंड आई वांट टू सिंग एज वेल ऑन लक्ष्मण झूला। कौन सा गाना गाएंगे आप? रास्ते का कुछ व्यू लेते हैं। चलो लोकेशन डालो भाई, लक्ष्मण झूला। ओके लक्ष्मण झूला में मिलते हैं भाई।